नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवा नेता समन कुमार यादव को समाजवादी यूजन सभा के राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव मनोनीत करने के पश्चात आज 18 सितंबर 2021 को वाराणसी के गोलघर स्थित पराड़कर भवन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल रहे। नागरिक अभिनंदन में शहर के नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त प्रदेश सचिव समन यादव का भव्य सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान ने समन यादव को बधाई देते हुए कहा कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में नौजवानों को जोड़ने का कार्य करेंगे। नव नियुक्त प्रदेश सचिव समन यादव ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश सचिव बनाकर जो जिम्मेदारी दिए हैं उसको मैं ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में गरीब, नौजवानों, व्यापारियों के बीच जाकर माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों को बताकर पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दूंगा। नागरिक अभिनंदन में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, अशफाक अहमद डब्लू, जिला अध्यक्ष सुजीत यादव, महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, पूर्व महासचिव लालू यादव, पूर्व पार्षद सैयद नईम, किशमिश गुरु, बिज्जू यादव, उमा शंकर यादव, अवनीश यादव, विक्की गोवर्धन पूजा समिति के अशोक यादव, पप्पू यादव, विनोद यादव, दिनेश यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह यादव और लक्कड़ पहलवान, आइए इनसे जानते हैं समन कुमार यादव को समाजवादी यूजन सभा का प्रदेश सचिव बनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। समन यादव को जिला सचिव बनने का उद्देश्य नौजवान साथी है और नौजवान साथी है, प्रदेश के सचिव रहेंगे तो पूर्वांचल का दौरा करेंगे, पूर्वांचल में अपने समाज और छात्र सभा के नौजवानों के साथ जुड़ के पार्टी को मजबूत करेंगे। मैं धन्यवाद देना था बने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जैसे नौजवान साथियों को प्रदेश के सचिव बनाने पर उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि ऐसे नौजवानों को पद देने पर पार्टी मजबूत होगी। जिलाध्यक्ष जी, कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है? 2022 का चुनाव तो आगाज हो चुका है, ये पद से चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं, हर सेक्टर बूथ पर काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना, ये हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं, फ्रंटल के लोग काम कर रहे हैं। पद तो आता जाता रहता है, हमारे लोग मजबूत हैं, नौजवान साथी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय जी ने बनाया है, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूँगा। और मैं समाजवादी परिवार के अध्यक्ष के नाते ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए ये कर्तव्य बनता है समाजवादियों का कि उसको आगे बढ़ाया जाए और पार्टी को मजबूती दिया जाए। जनसभा के नव निर्वाचित प्रदेश सचिव समन कुमार यादव, आइए इनसे जानते हैं प्रदेश सचिव बनने के बाद इनका लक्ष्य क्या होगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश समाजवादी यूजन सभा के राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव मनोनीत किया। उनके साथ साथ मैं यूजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी साहब का धन्यवाद प्रकट करता हूं और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और अपने समर्थकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आगे 2022 का चुनाव है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे प्रदेश में अपराध का दर दिन पर दिन बढ़ रहा है और लगातार देश में महंगाई की वजह से आज मध्यम वर्गीय परिवार अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर पा रहा।
प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी है, इनके छात्र विरोधी जो इनकी नीतियां हैं, सारे चीजों को हम लोग लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और 2012 से लेकर 2017 तक जो समाजवादी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी नीतियों को हम जनता के बीच बताएंगे। और आने वाले 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।